हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 4 मार्च 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पढ़े तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टेट में त्रिपुरा को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो गए एग्जाम ओरिएंटेड उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। दुनिया में सबका दिन 24 घंटे का होता है, जिन्हें सफल होना होता है वो इसी का सदुपयोग करना सीख लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जो टॉपर होता है उसके पास भी 24 आवर ही होते हैं, उसके पास कोई 48 आवर नहीं होते। जो आपको ये लगता हो कि उसके हमारे पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम होता है, ऐसा नहीं होता है। सबके पास 24 घंटे होते हैं, बस समय का सदुपयोग करना आप सीख जाएंगे तो आप सफल अवश्य बन जाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वन लाइनर न्यूज़ देखते हैं। महत्वपूर्ण दिन से पहले न्यूज़ रहेगी, विश्व दुर्लभ बीमारी दिवस 2020 के लिए विषय क्या रहा है। अब ये तो मनाया गया था, फरवरी का अंतिम दिन था जब विश्व दुर्लभ बीमारी दिवस मनाया गया था, मतलब कि 29 फरवरी को मनाया गया था। तो इसके लिए एक विषय रहा है, थीम रही है, तो रीफ्रेम रेयर। तो आपका जो फरवरी डेज का वीडियो है वो लाइंड अप है, वो आ जाएगा जल्दी से, कोशिश करेंगे आज ही अपलोड कर दें। रिकॉर्ड भी हो गया था, किसी कारणवश वो अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस जो कि 3 मार्च को मनाया गया, उसके लिए थीम क्या रही है। तो हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव दिवस जो मनाया गया 3 मार्च को, उसकी थीम क्या रही थी। तो सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से रहेगा, इंडिया वेंचर कैपिटल रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारतीय उद्यम पूंजी उद्योग द्वारा वर्ष 2019 में निवेश की गई राशि कितनी है। तो वो है $10 अरब की। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं, इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, इस विषय के तहत 19वीं विश्व उत्पादकता परिषद 6 मई से 8 मई 2020 तक किस शहर में आयोजित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगलोर में। ठीक है, बैंगलोर क्या है, कर्नाटक की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने COVID-19 विषाणु के प्रकोप से लड़ने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकासशील देशों की मदद करने के लिए कुल कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की है। तो $4 लाख इन्होंने प्रदान करने की घोषणा कर दी। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, जो कि है मतलब फिलीपींस मनीला में। ओके, इसके जो सदस्य देश हैं वो है 68। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार श्रेणी में 10वें एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार के विजेता कौन है। तो वो है सिंपली लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चंबल जिसमें गैंगेटिक डॉल्फिन और घड़ियाल की 75% आबादी के लिए घर को बनाया जाएगा को पर्यावरण संवेदन क्षेत्र ESG के रूप में घोषित किया है, जो किस राज्य में है। तो घड़ियाल प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश की थोड़ी बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की कैपिटल होती है भोपाल, और मध्य प्रदेश में बहुत सारे वन पाए जाते हैं जो कि भारत में बहुत ज़्यादा है, कान्हा, पेंच, फॉसिल, वन विहार, सतपुड़ा वन विहार, ये सभी जो है, ये सभी वन विहार जो है मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ते समय वाईफाई सेवाएं प्रदान करने वाला भारत का पहला विमान कौन सा है। तो वो उस विमान का नाम है बोइंग 787-9 विमान, विस्तारा एयरलाइंस जो है, जिसे कहते हैं विस्तारा एयरलाइंस। उड़ते समय जो वाईफाई सेवा प्रदान करेगा, ये भारत का पहला विमान है जिसका नाम है विस्तारा एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी संघ का स्थान कितना है। तो वो है 4th स्थान, 2003 के बाद ये उच्चतम स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम FIH विश्व रैंकिंग में पुरुष संघ श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है। तो वो है बेल्जियम का, उसके बाद कुका बुरास का, फिर नीदरलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2005 के राफेल नडाल के बाद लैटिन अमेरिका के क्ले कोर्ट गोल्डन स्विंग पर सबसे कम उम्र के विजेता कौन बने हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि सेंटियागो खिताब जीत लिया, तो वे कौन है, थियागो थिवोद वाइल्ड, ये ब्राज़ील के हैं और इनकी उम्र केवल 19 वर्ष है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दरवाजे पर डीजल पाने के लिए नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है।
राष्ट्रीय राजधानी की बात हो रही थी, आप सभी समझ गए दिल्ली की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है हम सफ़र नाम से, जिससे क्या होगा कि आपके दरवाजे पर डीजल पाया जा सकता है इस हम सफ़र के ऐप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्च को किस राज्य मंडल ने लोकायुक्त विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? अब इसी लोकायुक्त विधेयक में है क्या कि 4 सदस्य हैं, अध्यक्ष उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने मंजूरी दे दी है, तो ये है पंजाब। ओके, पंजाब राज्य को मंजूरी देगी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने द्वार प्रदय योजना आपकी सरकार आपके द्वार योजना शुरू की है? तो इस द्वार प्रदय योजना को शुरुआत किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ओके, अब बात करेंगे थोड़ी सी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी तो हमने अभी बताई दी, तो वो होती है भोपाल। ठीक है, अब वहाँ की नदियाँ अगर पूछ ली जाएँ तो वहाँ पे मुख्य नदी होती है नर्मदा, महानदी, ताप्ती और चंबल नदी वहाँ पर मुख्य नदी हैं। ठीक है, अगर नगर पूछ लिए जाएँ वहाँ के प्रमुख नगर, तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जो हैं प्रमुख नगर हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश में त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो गणगौर मनाया जाता है, सुआटा मनाए जाते हैं, गंगा दशमी मनाई जाती है, हरेली त्यौहार मनाया जाता है, भगोरिया त्यौहार मनाया जाता है, मेघनाथ, रचनबाग, काकसार और सिंहस्थ, ये कुछ मुख्य त्यौहार हैं वो वहाँ पर मनाए जाते हैं। ओके, अब हवाई अड्डे पूछ लिए जाएँ तो भोपाल, ग्वालियर और इंदौर, जबलपुर में हवाई अड्डे भी हैं मध्य प्रदेश के अंदर। प्रमुख उत्पादन पूछ लिए जाए तो हीरा पन्ना जो कि होता है, और लोहा होशंगाबाद में मिलता है, हीरा जो मिलता है वो पन्ना जगह है एक मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ मिलता है और लोहा होशंगाबाद में मिलता है। डोलोमाइट पूछ लिया जाए तो डोलोमाइट जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिल जाता है। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान पूछ लिए जाएँ, मध्य प्रदेश कौन कौन से पुरस्कार देता है? तो कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, तुलसी सम्मान और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर अभयारण्य, पन्ना अभयारण्य, ये तो सभी आपको पता ही है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, प्रमुख बांध अगर पूछ ले जाए मध्य प्रदेश के, तो वो है बाणसागर बांध है जो कि सोन नदी पर है, और राजघाट बांध है जो कि बेतवा नदी पर, गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है। दर्शनीय स्थान अगर पूछ ले जाए मध्य प्रदेश के, तो मोती महल है जो कि ग्वालियर में है, चित्रकूट है, खजुराहो के टेम्पल है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हिस्ट्री के पर्पज से पूछ लिया जाता है कि खजुराहो के टेंपल किसने बनवाए थे, चंदेलों ने बनवाए थे। सांची के स्तूप भी आपको बता दिए जाते हैं, मैहर, उज्जैन, शहडोल, खंडवा, पंचमढ़ी, ये सब जो है वहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि वहाँ पर जो क्या कहते हैं जो राजकीय पशु है वो कौन है, तो वो है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी अगर पूछ लिया जाए तो वो है दूधराज। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजकीय वृक्ष जो है वो है बरगद, और जो कमलनाथ जी हैं वो वहाँ पे CM है, और लाल जी टंडन जी वो हैं जो कि वहाँ पर राज्यपाल हैं। तो ये मध्य प्रदेश से जितनी भी न्यूज़ फॉर्म हो रही थी हमने सारी आपको बता दी, अब आपको याद रख लेनी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप फिर से ऑडियो रिवाइज कर लीजिए वहाँ से, तो आपको क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। जितनी भी ओरली हम स्टैटिक पोर्शन बताते हैं बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, तो उसको ज़रूर ध्यान से सुना कीजिए। हो सकता है जो लिखा हुआ है वो ना हो, जो हम बोल रहे हैं वो आ जाए आपके एग्ज़ाम में, तो उस पर आप ध्यान से मतलब ध्यान से सुना कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान विज्ञान से, नया विस्फोटक शोधक यंत्र कौन सा है जो DRDO की पुणे के हेमरल प्रयोगशाला और IISc बेंगलोर द्वारा विकसित किया गया है? तो वो है RALDER-X। ओके, और इसे RALDER भी पढ़ सकते हैं या RALDER-X भी पढ़ सकते हैं। ओके, नया विस्फोटक यंत्र है जो कि किसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या तैयार किया गया है या डेवलपमेंट उसका किया गया, तो DRDO हेमेरल और IISc बेंगलोर द्वारा इसे डेवलप्ड किया गया है। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई हैं उससे संबंधित सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। 435 वर्ग किलोमीटर में फैला राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, सोनपुर में, मुरैना में और भिंड जिलों में ये फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ मतलब कि FIH की स्थापना कब हुई थी? तो 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। विश्व उत्पादक विज्ञान परिसंघ कब निगमित हुआ था? तो 8 अप्रैल 1994 में ये
विकसित हुआ था, और मुख्यालय पूछ लिया जाए तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात करेंगे तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में, और हेड इसके पूछ लिए जाएंगे तो वो है जी सतीश रेड्डी जी। ठीक है, नेक्स्ट जो अब टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिटेल करंट न्यूज़ का। डिटेल करंट न्यूज़ से पहले मैं आपको बता दूँ, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम को ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF आपको मिल जाएंगी। और आपको खबरी ऐप पर भी हमें फॉलो करना है, तैयारी बिगनर्स की के नाम से वहाँ मिल जाएगा। और वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रूप से वहाँ पर मुख्य रूप से आपके से रिक्वेस्ट है, वहाँ पर आपको फॉलो करना ही है, बिकॉज वहाँ से आप यहाँ वीडियो देखेंगे वहाँ ऑडियो सुनेंगे, आपका 110% बेटर रिवीजन भी हो जाएगा और आपको लर्न भी हो जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। ओके, अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। मध्य प्रदेश सरकार 24 घंटे के भीतर सरकार के दस्तावेज की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करती है। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, योर गवर्नमेंट एट योर डोर स्कीम शुरू की है। इस द्वार प्रायदे योजना की आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत क्या है कि राज्य सरकार एक निश्चित शुल्क पर निवासियों को उनके घर पर सरकारी सेवाएं प्रदान करेगी। 25 जनवरी 2020 को होटल मैरियट में आयोजित एक समारोह में CM कमलनाथ ने पायलट आधार पर इंदौर शहर से यह सेवा शुरू की है। इस योजना के तहत सेवाओं को मध्य प्रदेश लोक सेवा वितरण गारंटी अधिनियम के तहत पेश किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश जो सरकार है उन्होंने क्या किया है कि योर गवर्नमेंट योर डोर स्कीम इन्होंने लॉन्च कर दी। इससे क्या होगा कि जो भी सेवाएं दी जा रही हैं वो डोर टू डोर दी जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा, क्योंकि कोई भी योजना आती है तो सारे व्यक्तियों को नहीं मिल पाती है। जो अब इससे क्या होगा, सबके डोर पर जाया जाएगा, जो एलिजिबल होगा, जो वाकई में ज़रूरतमंद होगा उस योजना के लिए, उसे ये योजना सेवाएँ जो हैं प्रदान कर दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सदस्य देशों को 4 मिलियन प्रदान करता है। तो एशियाई बैंक ने क्या किया है, जो कोरोना वायरस है के प्रकोप से लड़ने के लिए एशिया और प्रशांत में विकासशील देशों की मदद के लिए $4 मिलियन की धनराशि ADB विकासशील सदस्य देशों को अपनी महामारी प्रतिक्रिया की योजनाओं को अद्यतन और कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध कराएगी। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि COVID-19 के प्रकोप से लड़ने के लिए ADB ने कितनी धनराशि आवंटित की है, तो 4 मिलियन थी। ओके, 4 लाख मिलियन डॉलर। ओके, या 4 लाख डॉलर या 4 मिलियन USD 4 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO और IISC बैंगलोर द्वारा विकसित किया गया नए विस्फोटक का पता लगाया गया है, जिसका नाम है Rider-X। ओके, राइडर एक्स का नया विस्फोटक पता लगाने वाला उपकरण है, जिसे 1 मार्च 2020 को पुणे में विस्फोटक जांच पर राष्ट्रीय कार्यशाला में अनावरण किया गया। Rider-X को उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर द्वारा सहविकसित किया गया है। इसमें वह क्षमता है जो एक स्टैंड ऑफ दूरी से विस्फोटक का पता लगाया जा सकता है। अब जो DRDO है और IISC बैंगलोर, उन्होंने क्या किया, एक Rider-X नाम का एक उपकरण विकसित कर दिया, जिससे क्या होगा कि अगर आपके आसपास कोई विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ विस्फोटक पदार्थ है। तो ये बहुत ही अच्छा उपकरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगलोर में होने वाली 19वीं विश्व उत्पादकता कांग्रेस जो उत्पादकता विकास के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है, 45 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत वापस आ गई। अगला विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण होगा, जो 6 से 8 मई 2020 को बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र बैंगलोर में आयोजित किया जाएगा। 19वीं विश्व उत्पादकता कांग्रेस का विषय रहेगा उद्योग 4.0, नवाचार और उत्पादकता। अब क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि 19वीं विश्व उत्पादकता कांग्रेस कहाँ पर होगी, बैंगलोर में होगी, इसकी थीम क्या रहेगी, तो उद्योग 4.0, नवाचार और उत्पादकता। ओके, नेक्स्ट है, विश्व दुर्लभ रोग दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के आखिरी तारीख को विश्व दुर्लभ दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे पहली बार जो मनाया गया था यूरोपीय संगठन द्वारा 2008 में मनाया गया था या लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है कि बीमारी के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना, और इस बार की थीम रही है रेफरेम रेयर। ओके, तो दिवस मनाना, जब दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है ये याद रखना है, और इसकी थीम है रेफरेम रेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष तक कम कर दिया गया है।
अब मतलब पहले 60 वर्ष हुआ करती थी तो अब 58 वर्ष कर दिया गया, 2 वर्ष घटा दिए गए। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा 28 फरवरी 2020 को बजट के दौरान 2020-21 में बजट में की गई कुछ घोषणाएं सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 कर दी गई है एवं 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा और भूमिहीन किसानों के लिए कर्ज माफ़ी कर दी गई है। तो ये पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने क्या किया है कि जो 12वीं तक के बच्चे हैं उनकी तो मुफ्त शिक्षा कर दी है और भूमिहीन जिनके पास भूमि नहीं है उनका कर्ज माफ़ कर दिया गया है। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। इसमें क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, मतलब जिसे नाटो कहते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, 1949 में। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य देश अगर पूछ ले जाएँ तो 30 है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की पूछ ली जाए तो वो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। महासचिव जो है वो है स्टोल्टेनबर्ग। ओके, सैन्य समिति के अध्यक्ष पूछ ले जाएँ तो ग्याम पाओलो दी पाओला है। अब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि नाटो एक सैन्य संगठन है। एक संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है जिसके तहत सदस्य राज्य भारी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। नाटो का 30वां सदस्य कौन बना है, तो वो बना है मैसेडोनिया, जो कि 6 फरवरी 2019 को शामिल हुआ था नाटो के अंदर। अब आपको याद रखनी है नाटो की फुल फॉर्म द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को, मुख्यालय ब्रुसेल्स में मिलेगा, सदस्य देश 30 हैं। ओके, जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है यहाँ के महासचिव हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन और बन सकता है, डीप पूछा गया, तो नाटो का 30वां सदस्य जो है वो कौन है, तो वो है मैसेडोनिया, जो कि 6 फरवरी 2019 को बना है। अब बात करेंगे स्टेट की, तो स्टेट में हम आज डिस्कस करेंगे त्रिपुरा राज्य को। जैसा कि कल त्रिपुरा की राजधानी आप सभी को पता है अगरतला होती है, सबसे बड़ा शहर भी त्रिपुरा के अंदर अगरतला है। ये घनत्व अगर पूछ लिया जाए 350 वर्ग किलोमीटर² घनत्व है। अगर ज़िले पूछ लिए जाए तो 8 हैं, और राजधानी अगर पूछ ली जाए तो बंगाली और अंग्रेजी और ककवरक है। गठन 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन हुआ। राज्यपाल रमेश बैस जी हैं, मुख्यमंत्री जो है विप्लव कुमार देव हैं, भाजपा सरकार से आते। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो है 60 हैं, राज्यसभा की सीटें जो है 1 है, और लोकसभा की सीट जो है 2 हैं। त्रिपुरा उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। इसके उत्तर में क्या है, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, और पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि इनका राजकीय पशु कौन सा है त्रिपुरा का, तो वो है फेरीज पर्ण वानर। राजकीय पशु है त्रिपुरा का, राजकीय पक्षी अगर पूछा जाए तो फेरी ब्लूबर्ड, फेरी ब्लू वर्ड जो है वो राजकीय पक्षी है। ओके, तो अब यहाँ पर भाषा बांग्ला भी बोली जाती है, तो ये भी आपको याद। पर्यटन केंद्र वहाँ पर नीरमहल है, सिपाही जाला है, मातावाड़ी है, डम्बर लेक है, कमल सागर है, जम्पुई सेल है, उनाकोटी है, जो त्रिपुरा के अंदर पर्यटन केंद्र। पर्वत अगर पूछ ले जाए वहाँ पर कौन कौन से, तो बारामूरा, अथरामूरा, देवतामूरा, लोंगनथुराई और जम्पाई तथा साखन जो पर्वत है वो आपको त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलेंगे। झीलें वहाँ पर 2 हैं, रुद्रसागर झील है और एक झील और है जिसका नाम है डुम्बर लेक। ओके, कला अगर पूछ ली जाए तो वहाँ पर चेरुलाम नामक बांस नृत्य किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको याद रखना है। वहाँ की सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाएं हैं, तो भानु सिंचाई परियोजना है, खेवाई सिंचाई परियोजना जलविद्युत परियोजना है, गोमती सिंचाई जलविद्युत परियोजना है। ओके, तो ये त्रिपुरा से संबंधित कुछ। और हथकरघा अगर पूछ लिया जाए कहाँ का मुख्य उद्योग है, सबसे बड़ा उद्योग राज्य का हथकरघा है। अब बात करें स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की, गैट का मुख्यालय कहाँ है, तो गैट का मुख्यालय जो है वो है जेनेवा के अंदर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है लंदन के अंदर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम, तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये नैरोबी केन्या में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मतलब कि OECD का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। ओके, तो अब बात करेंगे
एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। इसमें रूस के पूर्व शासकों को जार के नाम से जाना जाता था। अब क्वेश्चन अगर बनेगा जैसे बने, रूस के पूर्व शासकों को किस नाम से जाना जाता था, तो जार नाम से जाना जाता था। पंच किताब, जो पंचतंत्र किताब है, उसके लेखक कौन थे, तो वो थे विष्णु शर्मा जी। सिखों के पहले गुरु का नाम क्या था, तो गुरु नानक देव जी। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन इकाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा किया जाता। अब केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारत की पहली मोनोरेल कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो मुंबई में प्रारंभ हुई थी। प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के रचयिता कौन है, तो वो है वर्णभट्ट जी। पृथ्वी का व्यास कहाँ पर अधिक होता है, तो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है पृथ्वी का व्यास। अन्न के पाचन के लिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो पश्चिम दिशा में बहती है। शांति निकेतन कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपलोड हो जाए। और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन वेबसाइट अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको खबरी ऐप पर ऑडियो क्लिप सुननी भी है, और वहाँ से वहाँ पर आपको फॉलो भी करना है, आपको करना ही है। ओके, तो वहाँ ऑडियो क्लिप सुनिएगा, अपना रिवीजन कीजिएगा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। और जब तक आपका मुकाम आपको हासिल नहीं हो जाता, तब तक मन में यही जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।